हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूस कुकिंग रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है मटर पनीर। मटर पनीर इंडियन कुजीन में एक बहुत ही फेमस मेन कोर्स माना जाता है, जिसे हम अक्सर पार्टीज़, मैरिज पार्टी या फिर बर्थडे पार्टी या फिर किसी भी स्पेशल ओकेज़न पर अपने घर में बनाए ही करते हैं। तो चलिए आज मैं इस रेसिपी को अपनी तरह से बनाना बताऊँगी आपको। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है, उसको मैंने इस तरह से जो है पीसेस में कट कर लिया है। मटर पनीर में जो है इस तरह से पीसेस अच्छे दिखते हैं, बाकी आपकी चॉइस है, आप इसे किसी भी शेप का कट कर सकते हैं। अब हम जो है अनियन और टमाटो का पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए एक पैन में जो है हम 1 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे। उसके बाद मैंने 3 यहाँ पर बिग साइज़ के अनियन को बड़े टुकड़ों में कट करके लिया है, उसको ऐड करेंगे हम। हल्का सा इसका कलर पिंक हो जाए तब तक हम इसे जो है फ्राई कर लेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, अनियन का कलर हल्का चेंज हुआ है। हम यहाँ पर 2 ग्रीन चिली ऐड करेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे एंड 2 गार्लिक्स ऐड करेंगे, लहसुन के पीस। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अच्छी तरह हम इन सभी को जो है 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। उसके बाद इसमें टमाटो ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको बड़े टुकड़ों में कट करके लिया है। उसको ऐड करके हम इन सभी को जो है थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक बार मिक्स दे देंगे। और इसमें जो है हम 1/2 कप वाटर ऐड करेंगे, ताकि जो हमारे अनियन टमाटो हैं जल्दी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। इसको लिड से कवर करेंगे और 5 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। 5 मिनट्स हो गए हैं, आइए हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप, टमाटो और अनियन जो है अच्छी तरह मशी हो गए हैं, प्रॉपर कुक हो गए हैं। अब इसी स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन्हें हल्का ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसका हम एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, आइए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में हम 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम करेंगे, रिफाइंड ऑयल। आप अगर मस्टर्ड ऑयल खाना पसंद करते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे एंड 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। क्विकली हम इसे मिक्स करेंगे और इसमें जो अपना तैयार किया हुआ पेस्ट है उसको ऐड करेंगे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो है बहुत स्पाइसी नहीं होती है फ्रेंड्स, इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में, तो इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप इसे नहीं पसंद करते तो आप इसे ना डालें, वैसे भी जो है आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर देंगे, हमारा पेस्ट जो है ऑयल और इसमें अच्छी तरह कुक हो जाए। ये देखिए पेस्ट हमारा अच्छी तरह इसमें कुक हो गया है। आइए इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे एंड 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आप इसे नहीं पसंद करते हैं, आप इसका कलर रेड चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर दें। अच्छी तरह हम मसालों को भी इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे हम लिड से कवर करेंगे और इसका ऑयल सेपरेट होने तक हम इसे जो है कुक कर लेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे उसमें। आइए हम चेक कर लेते हैं। आप देखिए ग्रेवी का कलर जो है चेंज हुआ है, ऑयल भी थोड़ा सेपरेट हो गया है साइड से, आप देख सकते हैं। एक बार हम इसे मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो गई है। अब इसी स्टेज पर हम अपना कट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे इसमें। और उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर लिए हैं 1.5 कप। अगर आपको फ्रेश मटर अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी ऐड कर देंगे हम और इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे हम। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, सॉल्ट हमने जो है अनियन टमाटो को कुक करते समय भी डाला था, तो आप यहाँ पर ध्यान से डालें। अच्छी तरह हम जो है पनीर के पीसेस को और मटर को जो है मसाले के साथ जेंटली हैंडल करेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। पनीर हमारे जो है टूटने नहीं चाहिए। अच्छी तरह मिक्स दे देने के बाद हम इसे जो है लिड से कवर करेंगे 2 मिनट्स के लिए और इसे जो है
अगेन कुक करेंगे 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर और चेंज हुआ है, अच्छा सा रेड आ गया है, ऑयल भी और सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पर हम इसकी जो है कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए इसमें वाटर ऐड करेंगे। मैंने जो है मिक्सी के जार में ही 1/2 कप वाटर ऐड करके लिया है। अगर आप इसे राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा और वाटर ऐड कर सकते हैं, बट आज मैं इसे रोटी के साथ सर्व करूँगी इसलिए मैं इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रख रही हूँ। वाटर ऐड करने के बाद अगेन हम इसे जो है 2 to 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे लिड से कवर करके। वाओ, हमारी सब्जी जो है ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसमें फाइनल स्टेज पर गरम मसाला ऐड करेंगे एंड चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। अच्छी तरह इन सभी को एक बार फाइनल मिक्स दे देंगे। सब्जी का कलर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही टेम्पटिंग आया है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी परफेक्ट आई है। अच्छी तरह मिक्स करके जो है इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। आइए इसे सर्व कर लेते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी टेम्पटिंग दिख रही है हमारी मटर पनीर की सब्जी। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी या फिर राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लंच या डिनर किसी भी टाइम पे बना करके इसे इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि इंडियन कुजीन की एक पॉपुलर ग्रेवी है जो हम अक्सर अपने घरों में बनाए ही करते हैं किसी भी स्पेशल फेस्टिवल ओकेज़न, बर्थडे पार्टीज़, मैरिज पार्टीज़। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। चॉप कोरिएंडर लीव्स के साथ हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत जल्दी ही मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।